बीएस कैप इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। खास खबर पर एक नजर। 1 मई को कुरखेड़ा तालुका जामुरा खेड़ा के नजदीक लेंडारी नाले के पास नक्सली बॉम्ब स्फोट के धमाके में पुलिस गाड़ी उड़ाई। यह हमले में जलद प्रतिसाद दल के 15 जवान शहीद हो गए तथा खासगी वाहन चालक की घटनास्थल पर मौत हो गई। इस हमले में 15 जवानों के नाम इस प्रकार है: प्रमोद महादेवराव भोयर देसाईगंज, पुलिस सिपाही साहूदास बाजीराव मड़ावी रहवासी चिकली तालुका कुरखेड़ा जिला गढ़चिरौली, राजू नारायण गायकवाड़ रहवासी महेकर जिला गढ़चिरौली, किशोर यशवंत बोबाटे रहवासी आरमोरी जिला गढ़चिरौली, संतोष देवदास चौहान रहवासी ब्रह्मवाड़ा तालुका औंद्री जिला हिंगोली, सरजीराव एकनाथ खरडे रहवासी आंध्रा तालुका देऊळगाव राजा जिला बुलढाणा, दयानंद ताम्रध्वज शहारे रहवासी डिगोरी बोंडी तालुका लाखांदूर जिला भंडारा, भूपेश पांडुरंग वालदे रहवासी लाखनी तालुका लाखनी जिला भंडारा, आरिफ तौसीफ शेख रहवासी पाटोदा जिला बीड, योगाजी सीताराम हलामी रहवासी मोहगाव तालुका कुरखेड़ा जिला गढ़चिरौली, पुराण शाह प्रताप शाह दुर्गा रहवासी अकरुंडी तालुका आरमोरी जिला गढ़चिरौली, लक्ष्मण केशव कोड़ापे रहवासी इकलखेड़ा तालुका कुरखेड़ा जिला गढ़चिरौली, अमृत प्रभुदास भदाड़े रहवासी चितघाटा तालुका कुई जिला नागपुर, अग्रमान बख्शी शहारे रहवासी तिरोड़ा तालुका आखनी जिला यवतमाल, नितिन तिलक चंद गोडमारे रहवासी कुमली तालुका साकोली जिला भंडारा। इन जवानों का समावेश तथा वाहन चालक दादूभाव सिंहनाथ रहवासी कुरखेड़ा, इस घटना में इनकी मौत हो गई।